Hi everyone, welcome back to my channel and those who are new, hi, my name is Alina and I make lifestyle, physiotherapy and lots of UK videos on this channel and आपको बहुत जल्दी जो है UK की videos मिलने वाली हैं but फिलहाल के लिए आज जो है हम एक बहुत important चीज़ के ऊपर discussion करने वाले हैं। मैं एक नई series start कर रही हूँ physiotherapy के ऊपर ही। अगर आपने पहले के 3 episodes नहीं देखे हैं जो कि college बताने के series थे जिसके अंदर मैंने जो है BPT के कॉलेजेस बताए थे तो आप वो ज़रूर चेक करें। और आज जो है हम जो एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं वो एक 12 पार्ट की सीरीज़ होगी जिसके अंदर अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि हर फिजियोथेरेपी स्पेशलाइजेशन के कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं। एंड बेस्ट इन दिस सेंस रैंकिंग में मैं नहीं बोल रही हूँ बिकॉज रैंकिंग कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी ईयर। आज किसी के पास QS रैंकिंग है, कल किसी के पास नहीं है, तो वो चेंज होते रहते हैं। बट ये रैंकिंग जो है स्टूडेंट्स के बिहाफ पर मैं आपको दूंगी। ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं जो ये सब ऑफ़र करती है और मैंने उन्हीं कुछ साइट्स में से जो है बेस्ट कॉलेजेस निकाले हैं जो स्टूडेंट्स ने जो है जिसके ऊपर सर्वे के ऊपर आंसर दिया था कि उनको कौन सा बेस्ट कॉलेज लगता है। ये 12 पार्ट सीरीज़ कैसे है, हम एक एक स्पेशलाइजेशन लेंगे, उसमें बेस्ट कॉलेजेस फर्स्ट इन इंडिया करेंगे एंड उसके बाद इन दिल्ली करेंगे बिकॉज मैं दिल्ली में रहती हूँ। और बहुत सारे जो है YouTube पे मैं देखती हूँ जब अपना एनालिटिक्स चेक करके तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो दिल्ली से हैं और मुंबई से हैं तो ये उनके लिए ज़्यादा होगी। और जब हम इंडिया की बात करेंगे तो मुंबई के उसमें बहुत सारे कॉलेजेस हैं और जब हम दिल्ली की बात करेंगे तो उसके अंदर सिर्फ दिल्ली के होंगे। तो हम एक एक चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे, न्यूरोपीडिया और तो ऐसे करके हम सारे MPTs को कवर करेंगे जो इस समय इंडिया में बेस्ट कॉलेजेस के अंदर काउंट होते हैं अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रन। एक बात ध्यान रखिएगा कि ऐसे बहुत सारे इसके अंदर कॉलेजेस हैं जो मैंने नहीं डाले हैं जबकि वो ऑलरेडी MPT पढ़ाते हैं, बट यहाँ पे हम सिर्फ स्टूडेंट्स के बेसिस पे ये बात कर रहे हैं ना कि जो कॉलेजेस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ऐसे मैंने कुछ कॉलेजेस देखे हैं जिनको मैं ऑलरेडी जानती हूँ जो इस लिस्ट में है ही नहीं, बट वो प्रोवाइड करते हैं मोस्ट ऑफ दी MPTs, बट बिकॉज स्टूडेंट्स ने उन्हें वोट डाला नहीं है इसलिए वो जो है इस लिस्ट में नहीं है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। हाँ जी, तो आज आ गए हम अगले एपिसोड में गाइनी के ही, जिसमें हम बात करेंगे गाइनी कॉलेजेस इन दिल्ली MPT के अंदर। और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि सिर्फ 3 ही कॉलेज हैं जिसके जो अभी यहाँ पे दे रहे हैं, उसके अलावा कोई कॉलेज नहीं है दिल्ली के अंदर। तो जो दिल्ली वाले हैं वो अगर आपको इन 3 में मिल गया तो बहुत मुबारक, आपको नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आप किसी और में जाके कर सकते हैं या फिर ऑल ओवर इंडिया के अंदर ज़रूर ट्राई करें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो, आ जाइए। तो पहला हमारा कॉलेज है SGD यूनिवर्सिटी गुड़गांव, दूसरा हमारा कॉलेज है सुभारती कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी मेरठ और तीसरा कॉलेज है प्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। तो ये थे जी हमारे 3 कॉलेज, बड़े ही छोटे से 3 कॉलेज और मेरे हिसाब से ये वीडियो सबसे छोटी होने वाली है। ये और एक पीडिया है जो सबसे छोटी होने वाली है बिकॉज इनके कॉलेज नहीं है एक्चुअल में, और अगर 2-4 और कॉलेजेस हैं अभी तो उनका इस लिस्ट में नाम नहीं क्योंकि बेचारे बच्चों ने वोट नहीं किया है। आई थिंक बहुत लोगों को अब तक पता चल गया होगा कि कुछ मेजर यूनिवर्सिटीज़ है जिसका इसके अंदर नाम नहीं है, और इंडिया में भी जो है कुछ 2-4 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जिनके बहुत सारे एड्स आते हैं और वो काफ़ी फेमस है जिनका इसके अंदर नाम नहीं है, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज। आई डोंट नो व्हाई इट हैज़ हैपन कि और लोगों ने वोट नहीं दिया, बट जो भी है आज के वीडियो के लिए जी इतना ही। अगर आपको कोई भी सवाल है आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरा सपोर्ट करें। मैं आपसे अगले हफ्ते मिलती हूँ। ठीक है जी, बाय बाय।